अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं ब्लॉग डाल पाई हूँ। दो तीन दिन हो गए हैं, 3 से 4 दिन हो चुके हैं ब्लॉग डाले हुए मुझे। और ये मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शहरी से। और ये मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और एक साइड पर मैंने सब्ज़ी को गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे हैं किचन से सब्ज़ी और रोटी, और दस्तरखान में बिछा कर आ गई थी। और एक साइड पर मैंने सब्ज़ी को गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और दूसरी साइड पर मैं बना रही थी रोटियाँ। और अभी मुझे बनानी थी चाय या फिर कॉफ़ी, जो भी मेरे हस्बैंड का मन होगा वो मैं बना दूंगी, चाय या फिर कॉफ़ी। और साथ में ही ये मैंने चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए पैन ले लिया है, और ये मैंने गैस पर उसे भी रख दिया है लो फ्लेम करके। और ये मैं बनाने लगी हूँ चाय, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और इसमें डाली है मैंने चाय की पत्ती। और थोड़ी सी मैंने शक्कर डाली है, चीनी मैंने थोड़ी सी ही डाली थी और बाकी मैंने शक्कर डाली है, मैं भूल गई थी शक्कर डालना। और ये मैं उनको गरम गरम रोटी देती जाऊंगी बनाकर। और सुबह में ताज़ा रोटियां अगर बनाते हैं तो थोड़ा खाया भी जाता है, अगर रात की रोटियां होती हैं तो उतना ठीक से शहरी में नहीं खाया जाता है, इसलिए मैं गरम गरम रोटियां ही बना देती हूँ सुबह को। और मैं रात में आटा गूंद कर रख लेती हूँ, सुबह में मैं आटा नहीं गूंदती हूँ, रात में ही थोड़ा एक्स्ट्रा आटा मैं गूंद कर रख लेती हूँ। और सब्ज़ी भी मैं शाम में ही बनाती हूँ, और चाय भी मेरी बन चुकी है। और मेरे हस्बैंड अपनी चाय लेकर चले गए हैं, और चाय मैंने सिर्फ उनके लिए ही बनाई है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम मैं चाय लेती हूँ, कभी तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, बट अभी मुझे चाय नहीं पीनी थी। और रमज़ान में मैंने वैसे भी बिल्कुल चाय नहीं पी है। और ये बनाने लगी हूँ मैं अपने बेटे का लंच, जो कि मैं शहरी में ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि 6 बजे उसका स्कूल होता है, 6 बजे मुझे उसे उठा कर रेडी करना होता है, तो 7 बजे उसकी टाइमिंग है स्कूल की, तो मैं उसका लंच भी अभी ही रेडी करके रख देती हूँ शहरी के टाइम। और फिर पूरा किचन मैं क्लीन कर देती हूँ शहरी में ही, बर्तन वगैरह भी मैं धो देती हूँ। और ये मैं जैसे ही फॉइल पेपर निकालने लगी थी तो यहाँ पर मैं चिया सीड्स रखती हूँ ताकि मुझे इजी हो यहाँ से रोज़ निकालना, मैं रख के भूल जाती हूँ फिर मुझे याद नहीं रहता है उसको भिगोना, उसे थोड़ी देर सोक करके रखना पड़ता है चिया सीड्स को, तो ये यहाँ पर थोड़े से बिखर गए थे मुझसे, और मैं इसे क्लीन करने लगी हूँ अभी यहीं पर। और जहाँ पे चिया सीड्स बिखरे हुए थे वो मैंने सारा क्लीन कर दिया है सेक्शन, और मैंने निकाल लिया है फॉइल पेपर, और मैं अब लंच पैक करने लगी हूँ अपने बेटे का। और ये लंच हो चुका है रेडी। और साथ ही साथ मैंने पूरा किचन भी क्लीन कर दिया है, और शहरी भी मैंने बीच में कर ली थी, वीडियो को पोस्ट किया था मैंने, और तब जाकर मैंने शहरी भी कर ली है। और उसके बाद में मैंने किचन क्लीन करने के बाद जितनी भी बॉटल्स वगैरह बची हुई थी वो भी
भर के फ्रिज में रख दूंगी। और शहरी का टाइम ख़त्म भी हो चुका था इस टाइम, और जितने भी बर्तन वगैरह हैं उनको सबको मैं वॉश करके और पूरा अच्छे से किचन को क्लीन करके, और जब मैं फिर नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और उसके बाद हो गई थी सुबह। और ये मैंने अपने बेटे का बनाया था नाश्ता, ये स्वीट बन रखा हुआ था मेरे पास जिस पर मैंने उसको जैम लगा के दिया है। और अब बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरा बेटा जा चुका है स्कूल, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपनी साइड पर, और ये मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और जैसे कि मैं स्टैंड लेकर आई थी बट इसका सारा जितना भी डस्ट, और आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ये लगाना ही पड़ता है कॉइल्स, या फिर अगरबत्तियाँ आती हैं मॉस्किटो वाली। और ये सारा मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर यूनिफॉर्म वगैरह रखी हुई है मेरे बेटे की, और कुछ उसके कपड़े रखे हुए हैं, और इधर टॉवल वगैरह, सारा रूम फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, और मैं इसको समेटने लगी हूँ अभी। और अपनी क्लीनिंग में यहीं से स्टार्ट करती हूँ डस्टिंग से, और ये टॉवल में उठा के रख दूँगी बेडशीट्स, और इसको भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी, ये हमने ओढ़ने के लिए रखा हुआ है क्योंकि थोड़ी ठंड लगने लगती है सुबह के टाइम, तो ये हमने ओढ़ने के लिए रखा था बेडशीट्स को। और ये मैं वहाँ से क्लीन करने के बाद मैं बेड को अच्छे से डस्टिंग किया है मैंने, उसके बाद मैंने पिलोज़ को वहाँ पर रख दिया है अच्छे से सेट करके, उसके बाद में मैंने बेडशीट्स को अच्छे से सेट कर दूँगी। और ये और कॉटन की बेडशीट है और ये काफ़ी अच्छी है, अगर मैं मॉर्निंग में इसे सेट कर देती हूँ तो ये किधर भी नहीं फिसलती है, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, ये देखें। और मुझे बार 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 इसको ठीक नहीं करना पड़ता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और अच्छे से सेट भी हो जाती है। तो ये मेरा रूम हो गया है क्लीन, और उसके बाद मैंने कुकिंग भी आपके साथ शेयर नहीं की है, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये मैंने बनाई थी अफ्तियारी, और आज मैंने बनाई थी दही की लस्सी, और शरबत भी, और कुछ पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी, और फ्रूट्स वगैरह कट किए थे। और ये थी हमारी सिंपल सी इफ्तारी, और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।